तो चलो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो कि ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आप पे कर लेना। एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं मैं जेईई मेंस और नीट के सारे करवा दे रहा हूँ। तो ये पहला क्वेश्चन है, मिनिमम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। देखो, हाइड्रोजन का एटम है, ये अपना न्यूक्लियस है और इसके आसपास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट है, एनर्जी लेवल है। तो ये VN है, H=2 है। तो इस तरह से जब हम इधर से दूर जाते हैं तो हम सबको पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इंक्रीज होता है और थ्योरेटिकली n=∞ तो ये न्यूक्लियस है। अब कहता है एंगुलर मोमेंटम मिनिमम कब होगा, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है mvr=nh/2π, वेयर m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, v इज द वेलोसिटी, r इज द वह रेडियस जिसमें हमें एंगुलर मोमेंटम चाहिए और वह वेलोसिटी जिस ऑर्बिट की हमें एंगुलर मोमेंटम चाहिए। या नहीं तो ये वाला अगर मैं लगाऊंगा तो ये बाकी सारे तो कांस्टेंट है, तो n इंटीजर है 1, 2, 3 और 4 इस टाइप से। तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो डिस्क्रीट फॉर्म में है। डिस्क्रीट मतलब ऐसा नहीं है कि यार फ्रैक्शन में एंगुलर मोमेंटम, जैसे एंगुलर मोमेंटम 1/2 h/2π नहीं हो सकता यार, ये तो पॉसिबल ही नहीं है बोर के थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो एंगुलर मोमेंटम इंटीजरल फॉर्म में होता है, ये वाला फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है यार, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि n एक इंटीजर है। तो अब एंगुलर मोमेंटम मिनिमम कब होगा, तो इस इक्वेशन से देखोगे तो एंगुलर मोमेंटम मिनिमम तब होगा क्योंकि h/2π तो कांस्टेंट है, जब n मिनिमम होगा यार। तो n की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, तो n की मिनिमम वैल्यू 1 होती है। तो एंगुलर मोमेंटम मिनिमम कितना होगा, मिनिमम होगा h/2π, ये इसका सोल्यूशन है। या इस इक्वेशन से देखोगे, इसको देखोगे तो एंगुलर मोमेंटम मिनिमम कब होगा, तो एंगुलर मोमेंटम mvr होता है। तो एंगुलर मोमेंटम मिनिमम तब होगा जब वेलोसिटी मिनिमम होगी, एंगुलर मोमेंटम तब मिनिमम होगा जब वेलोसिटी मिनिमम होगी और जब रेडियस भी मिनिमम होगा। तो वेलोसिटी मिनिमम कब होती है, ठीक है? अब या ये दोनों एक दूसरे से, भाई मिनिमम निकालना ना, तो ये एक दूसरे के दोनों वेरिएबल है। तो जब ये दोनों वेरिएबल की वैल्यू रखोगे, वेलोसिटी मिनिमम आर मिनिमम, तो ये जो चीज़ आएगा, ये वाली चीज़ आएगी, ये कैलकुलेशन होके ये आया है, ठीक है? तो यहाँ से मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं लगा सकता क्योंकि हमें यन के इंटीजर के फॉर्म में हमें पता नहीं कि यन कैसे डिपेंडेंट है। या नहीं तो आप वेलोसिटी और आर की मतलब यन के टर्म में लिख दो, फिर एंगुलर मोमेंटम मिनिमम निकाल लो। तो अगर मैं वेलोसिटी लिखूँ तो वेलोसिटी हम सबको पता है, देखो वेलोसिटी v=v0, v0=z/n होता है और ये वेलोसिटी यंथ आर्बिट में, वेलोसिटी यंथ आर्बिट में। और एंगुलर आर मिनिमम जो रेडियस होती है r=r0n²/z होती है। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे कि इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये दोनों जब यहाँ रखोगे और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये सारे कांस्टेंट आ जाएंगे और n से 1n, मतलब n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट सेल में जो एंगुलर मोमेंटम होती है वो मिनिमम होती है और n=∞ के लिए आइडियली वो मैक्सिमम होगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा बेहतर तरीके से, मतलब हम लोगों का डी ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों, ठीक है? चलो, मोटिवेटेड रहो, एनर्जेटिक रहो और क्वेश्चन सॉल्व करो। कोई दिक्कत आता है तो कमेंट करो और अपनी पढ़ाई अच्छे से बेहतर तरीके से करते रहो, कॉन्फिडेंट रहो यार। चलो ये क्वेश्चन करो। बेसिकली इसमें क्या कहता है, देखो ये कहता है कि 3 photons कमिंग फ्रॉम द एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम। अब हम लोगों के पास हाइड्रोजन का एटम है, चलो ये एक मैंने हाइड्रोजन के एटम्स ले लिए, बहुत सारे हाइड्रोजन गैस ले लिए और इसमें बहुत सारे एटम्स हैं, ठीक है? ये मैंने गैस ले लिया और इसमें बहुत सारे एटम्स हैं। चलो ये सैंपल ले लिया और ये हमारा गैस है और इसमें ये जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे एटम्स भरे पड़े हैं, ठीक है? कहता है फोटॉन्स कमिंग एक्साइटेड हाइड्रोजन गैस। अब इसको हम इलेक्ट्रिक करंट लगा के इसको हीट कर रहे हैं, तो यहाँ से कहता है इसको इतने सारे फोटॉन्स बाहर आ रहे हैं, कुछ फोटॉन्स बहार आ रहे हैं और वो 3 photons यहाँ से बाहर आए। अगर मैं इसको एनर्जी सप्लाई करता हूँ, यहाँ से मैंने एनर्जी सप्लाई किया, हीट किया, तो यहाँ से 3 photons बाहर आए। चलो, तो 1 photon की एनर्जी कितनी है, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
दूसरे वाले की कितनी है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और तीसरे वाले की कितनी है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तीन स्पेशल फोटॉन्स आए, मतलब तीन रेडिएशन आई, तीन वेवलेंथ आया, तीन फ्रीक्वेंसी आई। अदर वर्ड में बोल सकते हो भाई गैस है, जब उसको इलेक्ट्रिक हीट किए तो उसे फोटॉन्स निकलते हैं, रेडिएशंस निकलती है, खास रेडिएशन निकलती है, स्पेशल रेडिएशन निकलती है, सभी रेडिएशन नहीं निकलती है। तो यहाँ से तीन स्पेशल रेडिएशन निकल गई, या तीन फ्रीक्वेंसी निकल गई, तीन वेवलेंथ निकल गई, ऐसे आप बोल सकते हो, या तीन फोटोन निकल गए, सबका मीनिंग एक है। कहता है द फोटॉन्स मस्ट कम फ्रॉम, अब जो फोटॉन्स बाहर आ रहे हैं वो कितने एटम से बाहर आए भाई, यहाँ तो 20, 25, 30, 40 बहुत सारे एटम्स थे, ठीक है 100, 1000 एटम थे ऐसे मान लो, तो उसमें से कितने एटम्स की पॉसिबिलिटी है कि ये फोटॉन्स कितने एटम से आ रहे हैं ये हमें बताना है, ठीक है। चलो बहुत बेहतर क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा एनर्जी लेवल और एनर्जी हाइड्रोजन की nth ऑर्बिट में। तो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक के लिए एनर्जी जो होती है nth ऑर्बिट में वो होती है -13.6 एन स्क्वायर जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होती है एनर्जी, ठीक है। तो अगर n इक्वल टू 1 में एनर्जी देखोगे तो वैसे तो सबको याद होना चाहिए यार, n इक्वल टू 1 में एनर्जी कितनी हो जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इक्वल टू 2 में एनर्जी कितनी हो जाएगी, n इक्वल टू 2 में एनर्जी हो जाएगी E2 इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और n इक्वल टू 3 में एनर्जी जो हो जाएगी यहाँ से En इक्वल टू माइनस ये 9 से डिवाइड करो तो -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो है वो तीन, इससे ज़्यादा भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से तीन आर्बिट की, तीन सेल की मैंने एनर्जी निकाल लिया। अब हम सबको पता है पहले से कि फोटोन ये एनर्जी लेवल होते हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, ठीक है, ये 1.5 है और n इक्वल टू 4 0.85 आता है। तो ये फर्स्ट फोर्थ है और एनर्जी लेवल कम होती चली जाती है यार, ये क्या है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -3.5, ये आप याद कर लो, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना बार यूज होगा तो ये आपको याद हो जाएगा यार इस चैप्टर में, मतलब ये गेम मतलब मेन है यार, ये हर क्वेश्चन में लगभग यूज होता है। तो चलो अगर तीन फोटोन आ रहे हैं तो ये कि फोटोन अब आते कैसे हैं, फोटोन बाहर कैसे आते हैं भाई, हाइड्रोजन कैसे, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर डी एक्साइट होगा तभी तो फोटोन बाहर आते होंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ था, चलो ग्राउंड स्टेट में था इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर एटम फर्स्ट एटम की बात करो तो एक एटम में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था और वो एक्साइट होके ऊपर गया होगा तो नीचे आया होगा तो रेडिएशन से या फोटोन या वेवलेंथ बाहर आए होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से एक्साइट होके मान लिया मैं यहाँ चला गया तो जब वो वापस आएगा डी एक्साइट होगा तो इस प्रोसेस में एक वेवलेंथ लैम्डा निकलेगी एक एटम से, वो लैम्डा वन मान लेता हूँ। तो क्या अब ये देखो, अब जो ये यहाँ से जब डी एक्साइट होके वापस आया तो ये जो लैम्डा है दैट इज ये स्पेशल लैम्डा, यूनिक लैम्डा है और उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं और वो तभी पॉसिबल है, ये लैम्डा तभी पॉसिबल है जब इनके बीच एनर्जी डिफरेंस जो होगी वो देख लेते हैं कितना है। तो चलो इनके बीच जो एनर्जी का डिफरेंस है, इनके बीच एनर्जी का डिफरेंस तो डेल्टा ई इज इक्वल टू वो आ जाएगा डेल्टा ई, इसको -3.4 और -13.6 मतलब ये आ जाएगा +10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है वो इतना, मतलब जो रेडिएशन यहाँ से जो यहाँ से पड़ा होगा रेडिएशन या जो भी एनर्जी, मतलब कुल मिला के जो फोटोन बाहर आया होगा तो अगर 10.2 इलेक्ट्रॉन 10.2 एनर्जी डिफरेंस का जो एनर्जी जो डिफरेंस है, समझना इसको, 10.2 का जो एनर्जी डिफरेंस है वो एक एटम में एग्जिस्ट करता होगा, तो एक एटम में एग्जिस्ट करता होगा तो इसका जो लैम्डा एक रेडिएशन तो आया ही होगा, मतलब एक एटम में ऐसा पॉसिबल है,
फिर से समझो, तो एनर्जी डिफरेंस डेल्टा इज इक्वल टू एच सी अपन लैम्डा होता है। तो ये जो है एक फिक्स वैल्यू आ गई एनर्जी डिफरेंस 10.2, तो यहाँ से एक फिक्स वैल्यू आ गई, तो एक लैम्डा तो पॉसिबल आ गया ना भाई, एक लैम्डा पॉसिबल तो यहाँ से आ ही गया। तो एक लैम्डा अगर यहाँ से पॉसिबल आ गया तो वो एक रेडिएशन हो गया, मतलब 10.2, मतलब इलेक्ट्रॉन एक एटम में तो यहाँ से ग्राउंड से गया था वापस आ गया, मतलब एक एटम तो पॉसिबल है। चलो दूसरे एटम की बात करते हैं, क्या दूसरे एटम में चलो अगर दूसरे एटम में बात करोगे तो डेल्टा ई टू एनर्जी डिफरेंस देखो, तो दूसरे में अगर एनर्जी डिफरेंस यहाँ देखोगे तो ये इसमें अगर इसमें दूसरे एटम की बात कर रहा हूँ, मतलब एक एटम तो पॉसिबल, एक एटम में ग्राउंड में एक ही इलेक्ट्रॉन जाके वापस आ गया तो एक तो पॉसिबल है। तो इनके बीच जो एनर्जी डिफरेंस है वो देखो 13.6 और 1.5, तो ये जो एनर्जी डिफरेंस आ गया डेल्टा ई ई टू वो आ जाएगा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये हुआ अगर ग्राउंड इस सेट से ऊपर गया होगा दूसरे एटम में तो वापस आया तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि पॉसिबल है तो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेडिएशन है 12.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी एनर्जी यहाँ पर पॉसिबल है, मतलब ये हुआ, और ये भी पॉसिबल है, तो ये और ये, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा दो एटम में हो रहा होगा। मतलब अब जो ऑप्शन अगर देखोगे तो दो एटम तो होंगे ही होंगे, अब ये 1.9 पॉसिबल है या नहीं वो बाद में देखेंगे, ठीक है। मतलब ये ऑप्शन पहला वाला कभी सही नहीं हो सकता, ये जो है वो गलत ही होगा, एक एटम से ये तीनों फोटोन बाहर नहीं आ सकते यार, तो दो एटम से तो आ रहे हैं। तीसरा आप एनर्जी डिफरेंस चेक करो, तो अगर तीसरा अगर इसमें से आप चेक करते हो, देखो अगर इसमें और इसमें डिफरेंस निकालते हो इसमें, तो ये जो है वो एनर्जी डिफरेंस हमारे में ऑप्शन में है ही नहीं, उस एनर्जी डिफरेंस का फोटोन, क्योंकि अगर 13.6 और 8.5 से माइनस करोगे तो ये इसमें से कोई मैच नहीं कर रहा है, इसमें से इस एनर्जी लेवल में से कोई मैच नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ से एक इसमें से माइनस करता हूँ, देखो ये यहाँ से इन दोनों का एनर्जी का डिफरेंस निकालता हूँ, ये वाला इस में एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर यहाँ गया होगा इस साइड होके, तो वो डी साइड होके पहले अगर यहाँ आया तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है वो देखो 3.4 में 1.5 माइनस कर दो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी ग्राउंड में तो नहीं आया ना यार, तो यहाँ से एक्साइट होके जब n इक्वल टू 3 में गया है तो वापस यहाँ आया, फिर इसको यहाँ आना है, तो दो एटम तो पहले हो चुके। तो ये जो प्रोसेस है हो सकता है कि एक ही एटम में हो रहा होगा या तो किसी तीसरे एटम में हो रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आना तो ग्राउंड स्टेट में है ना भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम दो एटम पॉसिबल है, या और ये प्रोसेस किसी तीसरे एटम में हो रहा तो तीन एटम हो गए, कुल मिला के दो या तीन एटम पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी डिस्कस करना था, तो आइदर टू या थ्री एटम, मतलब डी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है, ये गलत है बी और सी। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलो कहता है सपोज इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम मेक ट्रांजिशन, अब हाइड्रोजन एटम में जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिशन कर रहा है एन इज इक्वल टू थ्री टू नहीं नहीं यार इलेक्ट्रॉन में के हाइड्रोजन एटम ट्रांजिशन फ्रॉम 3 से 2 में आया ना, एक्साइट था तो 3 से 2 में आया ये वाला, तो अगर 3 से 2 में आया चलो ये एन इज इक्वल टू 1 और ये एनर्जी लेवल कम होती चली जाती है, तो एन इज इक्वल टू 2 और एन इज इक्वल टू 3, तो 3 से 2 में आया, चलो यहाँ से यहाँ आ गया, कोई बात नहीं भाई आ ही जाओ तुम्हें आना ही है। तो उसमें ये जो टाइम लगता है याद रखना 10.8 सेकेंड, ये एक एवरेज टाइम है, ठीक है। डी एक्साइटेशन मतलब अगर इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता तो ऑन एन एवरेज यहाँ से यहाँ आने में 3 से 2 आने में एवरेज टाइम 10.8 सेकेंड है। ये दुनिया में कोई नहीं बता सकता कि इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट हो गया तो कब नीचे आएगा, 10-1 में आएगा, 10-2 सेकेंड में आएगा, 10-3 सेकेंड में आएगा, 10-8 एक एवरेज टाइम है, ठीक है, ये अनसर्टेन होता है। तो ऑर्डर ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन टाइम पीरियड, अब देखो ऑब्वियसली
द ऑर्डर ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द इस न्यूक्लियस की वजह से उस पर एक फोर्स लग रहा होगा और उस फोर्स की वजह से एक टॉर्क जनरेट हो रहा है, तो उसमें टॉर्क की वैल्यू निकालनी है और यूजिंग द रिलेशन बिटवीन द टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम डिस्कस इन द चैप्टर ऑफ रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन में आप पढ़े होंगे टॉर्क इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाई टी, फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, जितना टाइम टी लगा डिवाइड कर दो तो ये टॉर्क हो जाएगा। और ये हम रोटेशन में पढ़ चुके हैं, तो इसमें क्या है, टाइम तो दिया हुआ, इसको यहाँ से यहाँ आने में टाइम लगा हुआ है इतना, तो फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लग रहा होगा तो कहीं ना कहीं टॉर्क जनरेट हो रहा होगा, तो इस टॉर्क की वैल्यू निकालने के लिए फाइनल और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम में मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम पहले एन इज इक्वल टू थ्री में था, तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल कितनी थी, एन एच थ्री एच अपॉन टू पाई था, और फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना आ गया, फाइनल एंगुलर मोमेंटम आ गया टू एच अपॉन टू पाई। ठीक है, अब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डेल्टा एन इज इक्वल टू टू एच अपॉन टू पाई और माइनस थ्री एच अपॉन टू पाई। ठीक है, मतलब हमें मैग्नीट्यूड लेना है, तो एच अपॉन टू पाई मैग्नीट्यूड मॉड ये, तो ये जो एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन टू पाई, ये चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आ गया टाइम से, इसकी जो वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 10^-34 सेकेंड होती है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, ये एग्जैक्ट बहुत सारी चीज़ें होती हैं अंदर में कैलकुलेशन में, तो एग्जैक्ट निकालना पॉसिबल नहीं होता है, तो 10^-34 सेकेंड के आसपास आ जाती। तो जब टॉर्क इसकी इसका जब टॉर्क लिखोगे प्यारे बच्चों, तो टॉर्क की अगर इक्वेशन लिखूँ मैं, तो 10^-34 और डिवाइडेड बाई 10^-8, तो जब इसको घटाओगे तो 34 10^26 न्यूटन मीटर, ये इस ऑर्डर का टॉर्क लग रहा होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है कि इस ऑर्डर का टॉर्क दिया ही नहीं है इसमें यार। ठीक है, तो यशी वर्मा में मतलब ये भी नहीं, ये भी पॉसिबल, ये भी नहीं, मतलब ये भी नहीं, ये भी, तो कोई भी पॉसिबल नहीं है। बट ये जो बी ऑप्शन है ये इसके करीब तो नहीं है ज़्यादा, पर करीब मान मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि देयर इज लिटिल बिट एरर। तो यहाँ से ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, मतलब बी ऑप्शन सही है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन वेवलेंथ मिनिमम। अब ये ट्रांजिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो रहा होगा, तो ट्रांजिशन हो रहा होगा या एक्साइट हो रहा होगा, तो इसमें से कौन सा वेवलेंथ मिनिमम होगा। अब वेवलेंथ मिनिमम कब होता है यार, एनर्जी लेवल अगर देखोगे एन इज इक्वल टू वन और यहाँ से टू, उससे कम होते चले जाते हैं एनर्जी लेवल, इस टाइप से एनर्जी लेवल होते हैं, तो एन इज इक्वल टू टू थ्री और एन इज इक्वल टू फोर, तो ये एनर्जी लेवल ऐसे हमारा होता है। विच आर द फॉलोइंग ट्रांजिशन वेवलेंथ मिनिमम। अब अगर कोई रेडिएशन बाहर आ रहा है, ठीक है, अगर कोई रेडिएशन बाहर आ रहा है, या देखो अगर यहाँ से फोटॉन्स बाहर आ रहा है, तो उसकी जो एनर्जी डिफरेंस है, मान लो बाहर आ रहा है या ऑब्जॉर्व कर रहा है, मतलब वो खास वेवलेंथ दे रहे हैं या इमिट हो रहा, बात बराबर है, नहीं समझे, तो ये जो एनर्जी डिफरेंस होती है एससी अपन लैम्डा, भी समझा रहा हूँ देखो, तो ये एससी अपन लैम्डा वेवलेंथ होती है। अब वेवलेंथ ये वाली चीज़ है वो मिनिमम तब होगी जब डेल्टा एनर्जी मैक्सिमम होगा, बाई डिफरेंस मैक्सिमम होगा। इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से डी एक्साइट हुआ है फोर से थ्री में आया है तो डी एक्साइट हुआ है, या थ्री से फोर में गया है एक्साइट हुआ है, तो सेम वेवलेंथ का फोटोन ऑब्जर्व किया होगा, और अगर डी एक्साइट हुआ तो सेम वेवलेंथ का फोटोन इमिट किया होगा, ये कहने का मतलब है। तो जो लैम्डा है वो मिनिमम होगी और एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम आएगा, तो ये जो चीज़ है, तो यहाँ से अगर तुम देखोगे ये जो चीज़ है डेल्टा ई, तो बेसिकली अब किस ट्रांजिशन में ये पॉसिबल होगा, तो अब इसको देखो, हम सबको पता है कि देखो ये कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ से अगर ऊपर जाते हो तो टोटल एनर्जी इंक्रीज होती है, हम सबको पता है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू ज़ीरो होती है इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे जाके टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ज़ीरो होती है, जो कि मैक्सिमम होती है। और अगर इनके बीच कंजुगेटिव डिफरेंस देखोगे, ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये जो डिफरेंस, ये जो कंजुगेटिव डिफरेंस है, वन और टू के बीच डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस,
टू और थ्री के बीच एनर्जी डिफरेंस और थ्री और फोर के बीच एनर्जी डिफरेंस। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा ई, अगर जैसे जैसे ऊपर जाते हो तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा ई वो कम होता जाता है, वो डिक्रीज होता जाता है, ये आपको याद रखना है। इट्स ये बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, तो ये इसको याद रखो कि एनर्जी डिफरेंस कंजुगेटिव डिक्रीज होता है लेकिन टोटल एनर्जी इंक्रीज होता है। तो अब देखो ट्रांजिशन किस में एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होगी, क्या थ्री से फाइव में होगा? अब मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस कब होता है? तो अब थ्री से फाइव में एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम नहीं होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि हायर ऑर्बिट में जब ऊपर चले गए तो एनर्जी डिफरेंस कम होती चली जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। और n इज इक्वल टू थ्री से फोर में, तो फोर से थ्री में या थ्री से फोर में, तो ये भी थोड़ा सा ऊपर है, फाइव से कम है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा पहले वाले से, बट ये है कि अभी और भी ट्रांजिशन है तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और ये थ्री से टू में एनर्जी डिफरेंस देखो, तो अगर थ्री से टू में हुआ तो एनर्जी डिफरेंस और ज़्यादा तो होगा एनर्जी डिफरेंस, पर क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो डेल्टा कंजुगेटिव एनर्जी डिफरेंस इंक्रीज होगा, नीचे से ऊपर जाएंगे कंजुगेटिव एनर्जी डिफरेंस डिक्रीज होगा। अब ये वाली जो ट्रांजिशन इसको देखो, तो टू से वन में डेल्टा एनर्जी मैक्सिमम होगा, तो टू से वन में अगर जंपिंग होती है, एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन होता है, तो इस वाले लेवल में जो एनर्जी डिफरेंस है वो मैक्सिमम है, तो इसमें जो लैम्डा आएगा वो मिनिमम आएगा। कुल मिला के अगर तुम देखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट, वीडियो पॉज करो और कोशिश करो सॉल्व। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम विल रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, देखो अब क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट मिनिमम। अब बहुत सारे हाइड्रोजन एटम है, ड्यूट्रियम एटम है, सिंगल आयनाइज्ड हीलियम है, डबल आयनाइज्ड हीलियम है, तो ये कुछ एटम और आयन दिए हुए हैं। तो इस एटम और आयन के लिए एन इज इक्वल टू अगर वन देखूँ तो जो रेडियस मिनिमम निकालना है। हम सबको पता है कि जो रेडियस होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एटॉमिक नंबर जेड पे डिपेंड करता है, तो हर एक की रेडियस, हर एक एटम की रेडियस यूनिक होती है, अलग अलग स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। क्योंकि जो रेडियस है, रेडियस आर इज इक्वल टू आर नॉट, और ये आता है एन स्क्वायर अपन जेड। इस फार्मूले को याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला यार। तो रेडियस आर इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉन एन, यहाँ से आ जाएगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये आ जाएगा जेड एंगस्ट्रॉन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बच्चों, इसको आप लोग याद कर लो एंगस्ट्रॉन में इतना। अब अगर देखोगे तो रेडियस मिनिमम तब होती है जब प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, ये वाली चीज़ मिनिमम होगी। अब ये वाली चीज़ मिनिमम इसमें कह रहा है कि n इज इक्वल टू वन से कंपेयर करो, तो वन इज इक्वल टू वन की वैल्यू रखोगे तो वन अपन जेड, मतलब जेड जिसका मिनिमम होगा। क्या बोल रहा हूँ भाई, कितना बड़ा गलती हो गया, ये तो बोर नील बोर की आत्मा स्वर्ग से आ जाएगी, इतनी बड़ी गलती नहीं करना। जेड मिनिमम होगा जब ये वाली चीज़ मैक्सिमम होगी, तो ये मैक्सिमम कब होगी, जब ये जेड मैक्सिमम होगा। अब इसमें से जेड मैक्सिमम किसके लिए है, तो जेड मैक्सिमम है देख लो लिथियम के लिए, तो हीलियम के लिए तो है नहीं भाई, ये एटम है और ये उसी का आइसोटोप्स है, तो डी ऑप्शन सही है कि जेड इज इक्वल टू थ्री के लिए रेडियस आर मिनिमम होगा एन इज इक्वल टू वन के लिए, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो खुद सॉल्व करो। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ। अब देखो प्यारे बच्चों, इसमें हमें वेवलेंथ देखना है कि अगर वेवलेंथ n इज इक्वल टू टू से n इज इक्वल टू वन में अगर जंपिंग हुआ है, अगर इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हुआ है यार, ठीक है, एन इज इक्वल टू वन है और एन इज इक्वल टू टू है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था और यहाँ से डी एक्साइट हुआ, तो इसमें जो वेव लेंथ होती है लैम्डा वो जनरेट हो जाती है। तो उस लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, उस लैम्डा की वैल्यू होती है एच सी अपन डेल्टा ई, इन दोनों के बीच का एनर्जी का डिफरेंस। तो ये कहता है कि जो लैम्डा है वो हाँ देखो लैम्डा मिनिमम निकालना है, तो लैम्डा मिनिमम निकालना है तो या तो एनर्जी डिफरेंस निकालना है, मिनिमम कब होगा भाई, या तो ये
हर एक एटम का अलग अलग एनर्जी लेवल है, तो एनर्जी जनरल एनर्जी जो है एनर्जी nth ऑर्बिट में माइनस 13.6 एन स्क्वायर जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक तो मेथड ये हुआ कि हर एक का एनर्जी डिफरेंस निकालने जेड और एन की वैल्यू रख के, क्योंकि एन और एनर्जी डिफरेंस जो डेल्टा है वो एनर्जी का डिफरेंस है, तो हमें पता चल जाएगा। नहीं तो हमारे पास डायरेक्ट इसका रिजल्ट है ना, डायरेक्ट फार्मूला है। तो वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1/N1² माइनस 1/N2² N1 वह है जिसमें जंपिंग हुई है और N2 वह है जहां से जंपिंग हुई है। यहां पर N1 की वैल्यू 1 है और N2 की वैल्यू 2 है, क्योंकि 2 से 1 में जंपिंग हुई है। तो ऐसे याद रख लो, मतलब ऐसे याद रख लो कि इधर से मैं जाता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां से 1 रखो फिर 2 रखो, ऐसे याद कर लो। तो अब 1/λ प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि अब देखो ये तो फिक्स है इन सभी एटम के लिए, जो भी एटम आए ना, तो ये तो फिक्स है और रिगबर कांस्टेंट भी फिक्स है। तो 1/λ प्रोपोर्शनल होगा जेड स्क्वायर के। अब अगर जेड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर तुम अगर देखोगे तो लैम्डा मिनिमम तब होगा, लैम्डा की वैल्यू मिनिमम तब होगी जब जेड अगेन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यार जेड की वैल्यू अगेन यहाँ से जेड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब जेड मैक्सिमम कब होगी मेरे भाई, तो जेड मैक्सिमम इसमें से देखो, हाइड्रोजन के लिए जेड इज इक्वल टू 1 है, हीलियम के लिए जेड इज इक्वल टू 2 है, इसके लिए जेड इज इक्वल टू 1 है, इसके लिए जेड इज इक्वल टू 3 है। तो जेड इज इक्वल टू 3 मतलब डी ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों। अगर मेरा पूरा वीडियो देख लोगे एटम्स पे, और तो तुम्हारा चाहे नीट और जेई के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इस चैप्टर की खास बात है कि नीट और जेई के लेवल लगभग लगभग बराबर होते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है और बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग है। मैं इतना सारा अपलोड कर दूंगा सब कुछ फ्री, क्योंकि यार तुम मतलब तुम अगर पूरा इसको देख लोगे जितना मैं अपलोड कर दूंगा एटम्स पे, तुम्हारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता यार। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कर रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में फंक्शन ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हम सबको पता है कि अगर यार ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस से अगर मैं दूर जाता हूँ, ये न्यूक्लियस से अगर दूर जाता हूँ, वैसे तो ऑर्बिट ऐसे नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता, n इज इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। तो हम सबको पता है कि इधर से अगर मैं दूर जाता हूँ तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इंक्रीज होता है और इलेक्ट्रॉन की स्पीड डिक्रीज होती है। स्पीड सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, स्पीड इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा n इज इक्वल टू 1 में होती है। तो स्पीड डिक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, हमको पहले से पता है। मतलब ये हुआ, अगर इस इन सभी ग्राफ में अगर इन ग्राफ को अलग करके देखोगे, तो पहला जो ग्राफ है स्पीड वर्सेस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ए, वो कुछ ऐसा है। दूसरा ग्राफ अगर देखोगे बी, तो कुछ ऐसा है। तीसरा ग्राफ अगर देखोगे ए बी सी, तो कुछ ऐसा है। और चौथा ग्राफ अगर कुछ देखोगे स्पीड ए बी सी, तो डी ऐसा है। तो स्पीड वर्सेस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे प्यारे बच्चों, तो स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो स्पीड डिक्रीज होगी, तो ये कभी सही नहीं हो सकता, ठीक है। और ये कभी सही नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें स्पीड इंक्रीज हो गई है, तो 50-50 के चांस हमारे पास बन गए। अब स्पीड का फार्मूला हमें लिखना पड़ेगा, एक्चुअली लॉजिकली हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो स्पीड वी इज इक्वल टू होता है वी नॉट और एन वी नॉट इज इक्वल टू जेड अपॉन एन, ये मीटर पर सेकेंड। ये जो फार्मूला वो याद कर लो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो यहाँ से स्पीड वी नॉट की वैल्यू 1.28 × 10⁶ और जेड अपॉन एन। तो अगर ये स्पीड है जनरल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर इसमें तुम देखोगे तो ये वी नॉट और जेड क्या है, कॉन्स्टेंट है, क्योंकि एटम एक ही। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम है, तो जेड और एन तो फिक्स है, तो वी और एन में क्या रिलेशन आ गया, वी इज प्रोपोर्शनल टू एन। तो अगर वी एन के प्रोपोर्शनल है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब वी और एन, तो ये हमारा सी ऑप्शन सही है, ये वाला कर्व बनेगा जी। चलो वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। एज वन कंसीडर ऑर्बिट हायर वैल्यू ऑफ एन एन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो ये हाइड्रोजन एटम है, यहाँ से एक रेडियस है, फिर दूसरा रेडियस यहाँ है और तीसरा रेडियस यहाँ होता है।
तो n इज इक्वल टू वन और n इज इक्वल टू टू और n इज इक्वल टू थ्री इस तरह से। तो जब मैं न्यूक्लियस से दूर जाता हूँ, ये हमारा न्यूक्लियस है, जब प्यारे बच्चों मैं न्यूक्लियस से दूर जाता हूँ तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू बढ़ती है, और अगर n की वैल्यू बढ़ती है जो टोटल एनर्जी है वो भी इंक्रीज होता है, हम सबको पता है। तो टोटल एनर्जी इंक्रीज होता है, और अगर स्पीड कम होती है, स्पीड वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होती है। तो इस लॉजिक से पोटेंशियल एनर्जी के बारे में प्रिडिक्ट करना है। तो यहाँ से निकाल सकते हो कि जो टोटल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की सम होती है। अब टोटल एनर्जी इंक्रीज होती है जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, तो टोटल एनर्जी तभी इंक्रीज हो सकती है जब या तो और ये काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज होना पड़ेगा, तभी तो जाके टोटल एनर्जी इंक्रीज होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा फार्मूला हो गया, ठीक है। तो फार्मूला है कि एनर्जी इन nth ऑर्बिट टोटल एनर्जी माइनस 13.6 यहाँ से और यहाँ से एन स्क्वायर अपन जेड स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो टोटल एनर्जी है माइनस टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय टू। तो ये एक ब्रह्मास्त्र फार्मूला है, इधर इसको याद कर लो। जो टोटल एनर्जी है माइनस टाइम्स काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की आधी होती है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज टू टाइम्स टोटल एनर्जी के इक्वल होगी। अब टोटल एनर्जी निगेटिव है तो टू टाइम्स माइनस 13.6 एन स्क्वायर आर जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पोटेंशियल एनर्जी है। इस एक्सप्रेशन से आप लगा सकते हो, जो पहला वाला लॉजिक था वो ज़्यादा अच्छा था, ये भी अच्छा है, खराब थोड़ी है, ये भी बहुत सुंदर है। तो यहाँ से अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू बढ़ाओगे तो जेड तो फिक्स है, तो n की वैल्यू बढ़ाओगे तो ये जो फैक्टर है, n की वैल्यू बढ़ाओगे तो ये जो फैक्टर है वो टोटल एनर्जी एनर्जी ये एक मिनट थोड़ा सा यहाँ से एनर्जी जो है यहाँ से मैंने गलत लिख दिया। तो ये एनर्जी यहाँ से आप देखोगे तो एन स्क्वायर और जेड स्क्वायर, यहाँ इसको सही कर लो, तो यहाँ से आ जाएगा जेड स्क्वायर एन स्क्वायर। तो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू बढ़ाओगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लेस निगेटिव होगी, समझ रहे हो ना, n की वैल्यू बढ़ाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी लेस निगेटिव होगी, और लेस निगेटिव होगी मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, मतलब बी ऑप्शन सही है। तो आप इसको दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हो, अगर आप डेप्थ में पढ़ाई किए हो, कॉन्सेप्ट में पढ़ाई किए हो, कंसेप्चुअल पढ़ाई किए हो, सही से समझे हो सब्जेक्ट को, तो बहुत सारे क्वेश्चन लॉजिक से भी कर लोगे। एनर्जी ऑफ एटम और आयन इन ग्राउंड स्टेट 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इट मे बी। अब देखो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी हर एक एटम की अलग अलग होती है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे हर इंसान, जैसे हम लोग क्या है, इंसान है, हर एक इंसान की शक्ल अलग अलग होती है, कोई ज़्यादा खुश होता है, कोई दुखी आत्मक होता है, हर एक इंसान की इनकम अलग अलग होती है, ठीक है। तो उसी तरह से हर एक एटम का या आयंस का ग्राउंड स्टेट में एनर्जी अलग अलग होती है, और उस एनर्जी का जनरल एक्सप्रेशन है माइनस 13.6 जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ग्राउंड स्टेट में ये एनर्जी होती है हाइड्रोजन लाइक एटम का, जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो ये कहता है कि ये तो एनर्जी दे दिया है, इसकी वैल्यू दे दी है 5 पॉइंट माइनस 5 पॉइंट, तो इसमें से पता करना है कि ड्यूट्रियम है, हाइड्रोजन है, हीलियम है या लिथियम है। तो ये मैं कैसे पता करूँगा, ये मैं पता करूँगा जब मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जेड की वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ जो टोटल एनर्जी है वो तो दिया हुआ, ये वाली चीज़, तो टोटल एनर्जी माइनस 5.4 और ये माइनस 13.6 जेड स्क्वायर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ग्राउंड स्टेट में लेना है तो n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से माइनस ने माइनस को और जेड की वैल्यू आ जाएगी 54.4 और डिवाइडेड बाई 13.6, ये आ जाएगा 4, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी 2। तो जेड की वैल्यू अगर 2 आ जाएगी, यहाँ से जेड की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो इसको 4 टाइम्स कट जाएगा ना, हाँ 4 टाइम्स कट जाएगा, तो 54.4, तो जेड की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो 2 कौन सा होता है, हाइड्रोजन हीलियम होता है, मतलब सी ऑप्शन सही है।
तो क्लियर हो गया होगा। चलो वीडियो पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। ये देखो कहता है रेडियस ऑफ द शॉर्टेस्ट ऑर्बिट इन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम 18 पिकोमीटर। अब देखो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, ऐसा सिस्टम जिसके लिए बोर का जो एटॉमिक मॉडल था वो वैलिड है, तो वैसे इलेक्ट्रॉन को हम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोलते हैं, और वो जो सबसे छोटी वाली रेडियस है उसकी वैल्यू दी हुई है। तो हम कहता है वो उसमें एटम्स कौन या आयंस क्या होगा उसके बारे में हमें बताना है। तो अगर एटम्स आयन क्या होगा, अगर रेडियस लिखोगे तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस इज इक्वल टू आर नॉट और यहाँ से एन स्क्वायर और जेड स्क्वायर एंगस्ट्रॉन में होता है, बी केयरफुल, किस में होता है, एंगस्ट्रॉन में, ठीक है। और ये 0.5 आर की वैल्यू होती है, और एन स्क्वायर और यहाँ से जेड, यहाँ से एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड, ये तो यहाँ से ये वाली जो चीज़ है ये रेडियस है जनरल आर्बिट एंगस्ट्रॉन में, बी केयरफुल। लेकिन यहाँ पे पिकोमीटर में रेडियस दिया हो, शॉर्टेस्ट रेडियस के लिए एन की वैल्यू कितनी होगी यार, तो रेडियस देखो शॉर्टेस्ट तभी होगा जब एन की वैल्यू वन होगी, एन की वैल्यू वन होगी तभी तो रेडियस सबसे छोटा होगा भाई, तो रेडियस सबसे छोटा होगा जब एन की वैल्यू वन होगी, तो रेडियस मिनिमम होगी और उसकी वैल्यू होगी 18 पिकोमीटर, और ये आ जाएगा पिकोमीटर में कन्वर्ट करें 0.529 और ये जेड और ये एंगस्ट्रॉन में है तो 10 की पावर 10 मीटर, मीटर में हो गया, फिर मीटर को पिकोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर -12, ये समझ में आया, तो 10 की पावर -12 तो ये आ जाएगा 10 की पावर -10 और +12, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो 5.9 अपॉन जेड ये पिकोमीटर, तो यहाँ से जो जेड की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 52.9 और 18, तो अप्रॉक्सीमेटली जेड की वैल्यू 3 आ रही है, क्योंकि 2 से ज़्यादा आ रही है, राउंड अप करोगे तो ये तो होगा नहीं, ये उसी का आइसोटोप से ये होगा नहीं, मतलब डी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में है और 10.2 यहाँ लिटिल बिट मिस्टेक है, ये जो एनर्जी है यहाँ से ये 10.2 होगा, तो इसको सही कर लेना आप, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहता हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में 10.2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या फोटोन ऑब्जर्व किया, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना इंक्रीज हुआ होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है nh/2π। अगर ग्राउंड स्टेट की बात करो, ग्राउंड स्टेट में था तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू हो जाएगा h/2π, क्योंकि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मिनिमम एन की वैल्यू वन के लिए। अब 10.2 अब इलेक्ट्रॉन कहाँ था, ग्राउंड स्टेट में, अब 10.2 इलेक्ट्रॉन का एनर्जी या फोटोन ऑब्जर्व करके कहाँ जाएगा यार, तो यहाँ से हम सब पढ़ चुके हैं कि यहाँ n=1 होता है, n=2 होता है, n=3 होता है, और यहाँ पे एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब 10.2 का देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिफरेंस, ऑब्वियसली यहाँ से सेकेंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया होगा 10.2, क्योंकि यही जो डिफरेंस है डेल्टा ही वो है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब फोटोन पड़ा होगा तो वो जो ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन था वो जंप कर गया होगा 2 वाले ऑर्बिट में, तो 2 वाले ऑर्बिट में बच्चों जंप कर गया, तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है 10.2 आ गया। तो अब इसका मतलब ये हुआ, ये पता चल गया कि कहाँ गया है यार, तो हमें जब पता चल गया तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू 2h/2π, क्योंकि n इज इक्वल टू 2 में चला गया है, तो n इज इक्वल टू 2 के लिए एंगुलर मोमेंटम फाइनल इतना हुआ, इनिशियल इतना हुआ, दोनों में हम डिफरेंस निकाल लें, तो अगर हम दोनों में अगर डिफरेंस निकाल लें तो फाइनली जो है इंक्रीज इन एंगुलर मोमेंटम फाइनल में से इनिशियल घटा दो तो h/2π और -h/2π, तो ये घटा दोगे तो h/2π, अब ये कैलकुलेट कर लेना 10 की पावर -34 ऑर्डर के आता है, और ये जो है अप्रॉक्सीमेटली 1.05 × 10 की पावर -34 के
ऑर्डर आता है। तो एच अपन टू पाई की वैल्यू माइनस 34, इंटरेस्टिंग बात है कि सारे 34 के ऑर्डर में ही है, तो तुम्हें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो तुम कैलकुलेट कर लेना, ये डिफ़िकल्ट काम, बाकी तो मैं तुम्हें समझा ही दिया, ठीक है। चलो ये चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स पूरा कर लेना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है यार और बहुत आसान है। मैं पूरा इसको पढ़ा दूंगा तुम्हें यूट्यूब पे, और यार मतलब बहुत कम लोग चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, यार थोड़ा सपोर्ट किया करो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर आर सेम फॉर ऑल हाइड्रोजन लाइक एटम्स आर आयन, मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम्स और आयन है तो उस एटम्स और आयन के लिए कौन से पैरामीटर सेम होंगे। क्या देखो, हाइड्रोजन लाइक एटम और आयन है तो हमें पैरामीटर्स कंपेयर करना है, क्या सभी का रेडियस सेम होता है, क्या सभी का इलेक्ट्रॉन सेम होता है। ऑल हाइड्रोजन लाइक आयन ग्राउंड स्टेट, देयर ग्राउंड स्टेट। चलो अब देखो ग्राउंड स्टेट कब होता है, एन इज इक्वल टू वन के लिए होता है ग्राउंड स्टेट। अब हाइड्रोजन या हाइड्रोजन एटम आयन के लिए अगर मैं रेडियस का एक्सप्रेशन लिखूं तो आर इज इक्वल टू आर नॉट, और ये आ जाएगा एन स्क्वायर अपन जेड, या 0.529 एन स्क्वायर जेड एंगस्ट्रॉन। तो ये वाली चीज़ है प्यारे बच्चों, और रेडियस इतनी है, और स्पीड जो होती है वी नॉट, यहाँ से एन अपन स्पीड जो होती है वो भी, यहाँ से याद कर लो इसको, वी अपन एन, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू होती है 2.18 × 10⁶ जेड अपन एन, ये स्पीड होती है। एनर्जी जो होती है एंथ ऑर्बिट में माइनस 13.6 एन स्क्वायर जेड स्क्वायर एंगस्ट्रॉन। तो ये जो है एनर्जी, अब तुम देखो हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट के लिए सबकी एन की वैल्यू वन रख दो, तो सबकी अगर एन की वैल्यू वन रख दोगे तो तुम ये देखोगे कि ग्राउंड स्टेट के लिए अगर हाइड्रोजन लाइक एटम है तो ग्राउंड स्टेट के लिए जेड जैसे जैसे चेंज होगा, जेड अगर चेंज होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस, स्पीड और एनर्जी ये सारे चेंज हो जाएंगे यार, ठीक है, क्योंकि सब जेड पे डिपेंडेंट है यार। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेम नहीं होगा, ये सेम नहीं होगा, ये सेम नहीं होगा। बहुत ही अच्छा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम के जो आयन है अगर ग्राउंड स्टेट फर्स्ट ऑर्बिट में कंपेयर करोगे तो फर्स्ट ऑर्बिट सबकी रेडियस अलग होगी, सबकी स्पीड अलग होगी उस इलेक्ट्रॉन की, और सबकी एनर्जी अलग होगी, लेकिन उन सब में एक चीज़ कॉमन होगा, वो है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर, और वो होता है एन एच अपन टू पाई। अगर ग्राउंड स्टेट लोगे तो एच इक्वल टू एच अपन टू पाई, जो कि एक यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, उन सभी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन लोगे, या यूं कहो ग्राउंड स्टेट भी नहीं लेते हो और कोई स्टेट लेते हो तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर सेम है तो हर ऑर्बिट का हाइड्रोजन लाइक एटम का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट आ रहा है ना। ये चीज़ कॉमन है यार सभी हाइड्रोजन लाइक एटम में, सभी केवल हाइड्रोजन लाइक एटम में ये चीज़ कॉमन है, सभी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम फिक्स है, सेम है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो ये डी ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो। इन ए लेजर ट्यूब, अगर लेजर ट्यूब है ऑल फोटॉन्स, देखो लेज़र का जो ट्यूब होता है, लेज़र ट्यूब थ्योरेटिकली अगर आइडियली अगर बात करोगे, आइडियली तो कुछ बताया गया नहीं तो हम कॉन्सेप्ट आइडियली ही लेके चलेंगे। आइडियली अगर बात करोगे तो ये जो सोर्स होते हैं वो कोहरेंट सोर्स होते हैं, कोहरेंट सोर्स। तो कोहरेंट सोर्स तब होता है जब उनकी वेवलेंथ सेम होती है ऑल द फोटॉन्स, ठीक है, ऑल द फोटॉन्स। जो आइडियली अगर बात करोगे तो लेजर ट्यूब में ऑल द फोटॉन्स हैव सेम वेवलेंथ एंड सेम वेवलेंथ, सेम एनर्जी एंड मूव इन सेम स्पीड और मूव विथ सेम स्पीड इन सेम डायरेक्शन। अगर आइडियली बात करोगे तो सोर्स कोहरेंट है, बट अगर ये प्रैक्टिकली बात करोगे, प्रैक्टिकली तो प्रैक्टिकली जो लेजर सोर्स से जो फोटॉन्स जनरेट होते हैं, ठीक है, उन फोटॉन्स की जो वेव लेंथ होती है स्लाइटली अलग अलग होती है, स्लाइटली अलग अलग होती है, तो सेम वेव लेंथ नहीं होती है, तो सेम
फ्रीक्वेंसी भी सेम वेवलेंथ नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी नहीं सेम होगी फोटॉन्स की, तो एनर्जी नहीं सेम होगी। और कोई ज़रूरी नहीं है कि थोड़ा सा जब बीम से जनरेट होते हैं, आप इसको डिटेल में पढ़ना, तो लिटिल बिट अपने पास से डेविएट भी हो जाते हैं, बट मीडियम सेम रहता है तो सभी फोटोन की स्पीड सेम होती है। इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर एक बल्ब है तो जिससे वाइट लाइट आ रही, जिस रूम में बैठे हो उस रूम में बल्ब लगा है और वहाँ से वाइट लाइट निकल रही है, तो वाइट लाइट में क्या सारे फोटॉन्स की वेवलेंथ सेम है क्या? नहीं यार, अलग अलग कलर के वेवलेंथ है, स्पेक्ट्रम है, तो उन रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, वाइट में उसमें अंदर है, तो सभी फोटॉन्स की जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट है। तो जब वेवलेंथ डिफरेंट है तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, तो एनर्जी डिफरेंस है, लेकिन वो जिस मीडियम में है उस मीडियम में स्पीड क्या है? सेम है यार। तो उस लॉजिक से भी इसको समझ सकते हो, तो सेम स्पीड के होते हैं ये वाली चीज़। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इस लेक्चर को यार थोड़ा सा सपोर्ट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। वैसे तो यासी वर्मा के सारे सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेसिकली इसमें क्या है कि कुछ मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एटम्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर पे बहुत सारे क्वेश्चन मैं डाल दूंगा यार, और बहुत सारे थ्योरी भी अब मैं बनाऊंगा। अभी तक मैं थ्योरी अपलोड नहीं किया हूँ अपने चैनल पे, तो जब मैं थ्योरी अपलोड करूंगा तो अगर उसको तुम देख लोगे तो तुम्हारा पूरा जो क्वेश्चन है नीट या जेई का वो सही हो जाएगा यार। तो अपना बहुत ख्याल रखो, मोटिवेटेड रहो, एनर्जेटिक रहो, हेल्दी रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।